इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा आयरलैंड क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स आपको बताऊं। आयरलैंड कब से क्रिकेट खेल रहा है और क्या है आयरलैंड का T20 आई में हाईएस्ट स्कोर, किस बॉलर ने लिया है आयरलैंड के लिए सबसे ज्यादा ODI विकेट्स और इंडिया के अगेंस्ट कितने मैचेस जीते हैं आयरलैंड ने, ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 1, आयरलैंड में क्रिकेट 19th सेंचुरी में आ गया था। 1958 में मेरिलेबन क्रिकेट क्लब यानी MCC से आयरलैंड ने पहला मैच खेला था। फैक्ट नंबर 2, 1993 में आयरलैंड ICC को ज्वाइन करते हैं एज एसोसिएट मेंबर और 1994 में पहली बार ICC ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया था आयरलैंड ने। फैक्ट नंबर 3, आयरलैंड ने अपना पहला ODI मैच खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट 13 जून 2006 में। फैक्ट नंबर 4, आयरलैंड टीम को वर्ल्ड कप में खेलने का पहला मौका मिला था 2007 वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में, जहां पर 10 मैच खेल के आयरलैंड ने सिर्फ 2 ही मैच जीत पाए थे। फैक्ट नंबर 5, 2008 में 2 अगस्त को आयरलैंड ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट और ये मैच आयरलैंड ने एक बॉल बाकी रहे थे 4 विकेट से जीता था। फैक्ट नंबर 6, 2009 T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड को पहला मौका मिला था T20 वर्ल्ड कप में खेलने का और उस टूर्नामेंट में आयरलैंड ने 5 मैच खेलकर सिर्फ 1 मैच जीत पाए थे। फैक्ट नंबर 7, आयरलैंड टीम को एसोसिएट मेंबर से फुल टाइम ICC मेंबर बनाया गया था साल 2017 में। फैक्ट नंबर 8, आयरलैंड के लिए वर्ल्ड कप के मंच पर पहला शतक लगाया था केविन ओब्रायन ने 2011 वर्ल्ड कप में और वो शतक आया था इंग्लैंड के खिलाफ। केविन ओब्रायन ने सिर्फ 63 बॉल खेलकर 113 रन बनाए थे और इंग्लैंड को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा था आयरलैंड से। फैक्ट नंबर 9, आयरलैंड के लिए सबसे ज्यादा ODI सेंचुरी मारने वाला प्लेयर है पॉल स्टर्लिंग। पॉल ने 12 शतक मारा है अब तक और 26 अर्धशतक भी मारा है और वो भी सिर्फ 133 इनिंग्स में। फैक्ट नंबर 10, आयरलैंड के लिए ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है पॉल स्टर्लिंग के नाम। फैक्ट नंबर 11, आयरलैंड ने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 176 ODI मैच खेले जिनमें सिर्फ 74 मैच जीत पाया है आयरलैंड ने और 122 T20 में सिर्फ 52 T20 मैच जीते हैं अब तक आयरलैंड। फैक्ट नंबर 12, आयरलैंड ने ODI में 2 बार 329 रन सक्सेसफुली चेस किया है और दोनों ही बार इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया है आयरलैंड ने, एक बार किया था साल 2011 में और एक बार 2020 में। फैक्ट नंबर 13, आयरलैंड के अब तक के हाईएस्ट ODI इंडिविजुअल स्कोरर है पॉल स्टर्लिंग। कनाडा के खिलाफ पॉल ने 177 रन बनाए थे और ये रन किसी भी आयरिश के द्वारा किया गया हाईएस्ट ODI स्कोर है। फैक्ट नंबर 14, ODI क्रिकेट में आयरलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिया है केविन ओब्रायन ने। केविन ओब्रायन ने 116 इनिंग्स में बॉलिंग करके 114 विकेट लिया है, जो उन्हें अब तक के हाईएस्ट ODI विकेट टेकर बनाता है एज ए आयरिशमैन। फैक्ट नंबर 15, केविन ओब्रायन है पहला आयरिश जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी सेंचुरी मारा है। 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ केविन ओब्रायन ने सेंचुरी बनाया था टेस्ट क्रिकेट में और ये अब तक के इकलौता टेस्ट सेंचुरी है आयरलैंड के लिए। फैक्ट नंबर 16, आयरलैंड आज तक कभी भी इंडिया के अगेंस्ट एक भी मैच जीत नहीं पाए, तो देखते हैं इस सीरीज में क्या वो लोग जीत पाते हैं कि नहीं। फैक्ट नंबर 17, आयरलैंड के सिमी सिंह ने नंबर 8 पर आके ODI क्रिकेट में एक सेंचुरी लगाया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी 8 नंबर के खिलाड़ी द्वारा ODI क्रिकेट में शतक मारने का और ये सेंचुरी आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साल 2021 में। फैक्ट नंबर 18, T20 क्रिकेट में आयरलैंड का हाईएस्ट स्कोर है 225 जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए साल 2013 में आयरलैंड ने बनाया था। फैक्ट नंबर 19, T20 क्रिकेट में आयरलैंड का लोएस्ट स्कोर है 68 जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलते हुए साल 2010 में आयरलैंड ने बनाया था। फैक्ट नंबर 20, आयरलैंड ने 2019 में एक T20 मैच में 278 रन कॉन्सीड किए थे अफगानिस्तान के सामने, जो T20I क्रिकेट में हाईएस्ट टोटल कॉन्सीडेड बाय ए टीम इन एन इनिंग्स है। एक बोनस फैक्ट, आयरलैंड ने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता पर एक आयरिश कैप्टन ने वर्ल्ड कप जीता है और वो है ओयन मॉर्गन। ओयन मॉर्गन ने आयरलैंड को भी 5 मैच में लीड किया था। बाय द वे, DK के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स को जानना है तो राइट पर क्लिक करो और IPL में हुए कुछ ओस्ट रिलीज के बारे में जानना है तो लेफ्ट पर क्लिक करो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।